जी सर। अच्छा, योगेश जी का फ़ोन कट गया है तो हम दूसरा सवाल ट्विटर से ले लेते, क्योंकि ट्विटर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभिषेक गर्ग का सवाल है, और इन्होंने जून के महीने में 500 शेयर खरीदे थे IDFC फर्स्ट बैंक के 30 रुपये के भाव पे। अब ये हो गया 47 रुपये। आगे क्या होगा इसका, और ये 1 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, बताइए। देखिए, बैंक निफ्टी पे भी रुझान थोड़ा वीकी है, और मेरे हिसाब से शायद जो भाव इन्होंने बोला उसमें इनको एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आई थिंक ट्रेंड बने रहे हैं। बट बिल्कुल ये समझ के चलें कि अगर बाजार में वीकनेस आती है तो ये अकेला खड़ा रह पाए, ऐसे इसके कोई ना पैटर्न है ना कोई ऐसे लक्षण है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इनको बोलूंगा कि 4320 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और 4320 के नीचे अगर बंद आता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए ट्रेड में से निकल जाए, इनको दोबारा कहीं नीचे के लिए लेने मिलेगा। बट फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस एट 4320। 4320 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए, उससे नीचे आता तो प्रॉफिट बुक करिए, नीचे आएगा तो फिर ले लीजिएगा। योगेश।